हाइड्रोजन भविष्य का ऊर्जा स्रोत, ये पूरे यूरोप में ऊर्जा के इस्तेमाल में होने वाले बदलाव का अहम हिस्सा होगा और रोटरडैम के इस पोर्ट में भी लोग यही सोचते हैं। पोर्ट के संचालक पूरे इलाके में एक बड़ा हाइड्रोजन नेटवर्क बनाना चाहते हैं। इरादा है रोटरडैम को हाइड्रोजन के उत्पादन, आयात और ट्रांसपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना। लेकिन क्या ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन सचमुच ग्रीन है? दरअसल हाइड्रोजन रंगहीन होती है, लेकिन उसमें बेहतर अंतर करने के लिए उसे अलग अलग नाम दिया गया है। बनाने की प्रक्रिया के मुताबिक भूरा, नीला या फिर हरा यानी ग्रीन। इस समय हाइड्रोजन का बड़ा हिस्सा भूरा है। ये भूगैस या कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनता है और इसीलिए बहुत ही गंदा है। इसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है। नीला हाइड्रोजन भी दरअसल भूरा ही है, उसे भी जीवाश्म ईंधन की मदद से तैयार किया जाता है, लेकिन इसे बनाने के दौरान पर्यावरण के लिए नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर उसे गैस फील्ड में जमा कर दिया जाता है, इसीलिए कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम होता है। ग्रीन हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहा जाता है जिसे पानी से निकाला जाता है। हाइड्रोजन बनाने के सिर्फ इसी तरीके को टिकाऊ कहा जा सकता है। सभी प्रकार के हाइड्रोजन एक ही हैं, क्योंकि उन सब में मॉलिक्यूल H2 होता है। उत्पादन की अलग अलग प्रक्रियाएं इस बात का फैसला करती हैं कि किसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कौन कितना साफ है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया जाता है। ये बिजली हमेशा उत्सर्जन के बिना तैयार नहीं की जा सकती। हाइड्रोजन उत्पादन सिर्फ तभी टिकाऊ होता है जब उसे बनाने वाली बिजली पवन या सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आती है। इस तरह से वो बिना CO2 के बनती है। ग्रीन, पर्यावरण सम्मत और टिकाऊ का मतलब है कि हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा से हुआ है। लेकिन तब क्या जब कोई देश अपनी जरूरतें सिर्फ हाइड्रोजन से पूरी न कर सके? जर्मनी में पवन और सौर स्रोतों की मदद से पर्याप्त ऊर्जा पैदा नहीं होती। 2050 तक जर्मनी को करीब 4.5 करोड़ टन हाइड्रोजन का आयात करना होगा। जरूरी यह है कि कहीं दूर से जहाज और पाइपलाइन से इसके ट्रांसपोर्ट में पर्यावरण का और नुकसान ना हो। हमें एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन सिस्टम की जरूरत है ताकि साबित हो सके कि सचमुच ये हाइड्रोजन ग्रीन बिजली से बनाई गई है। ऐसा कोई सर्टिफिकेशन सिस्टम अभी नहीं है और इस पर अब तक सहमति नहीं बनी है। तेजी से हाइड्रोजन पैदा करने की राह में एक बाधा उसका खर्च भी है। यदि आप मौजूदा नियमों के तहत अक्षय ऊर्जा से बनाए गए ग्रीन या भूरे हाइड्रोजन की तुलना जीवाश्म ऊर्जा से करें तो ये अभी भी बहुत महंगा विकल्प है। लेकिन जितना ज्यादा अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन भी उतनी सस्ती होती जाएगी। अनुमान है कि 2030 तक कीमतें आधी कम हो जाएंगी। अभी भी यूरोपीय संघ के देशों में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नीले हाइड्रोजन का उत्पादन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर जमा किया जाता है, आने वाले सालों में महत्वपूर्ण बना रहेगा।